अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस टाइम हम लोग आए हुए हैं वादी दरबार पे, जिसकी मेन एंट्रेंस जो है वो पुलिस ने बंद की हुई है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इधर पहाड़ के ऊपर ही खड़े होकर इसका व्यू ले रहे हैं। ये सामने मेन वाटरफॉल है और ये सारी वादी आ रही है, और उसके लिए वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं मेन, लेकिन वो एरिया बंद है, पुलिस ने बंद किया हुआ है। तो सारे लोग इधर से ये पहाड़ के ऊपर से आके जैसे व्यू ले रहे हैं। जब कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और करीब जाए, वो जहाँ सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ तक। अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फोर व्हील जा रही है, वो भी कच्चे रास्ते से। तो हम लोगों ने इधर एक पहाड़ी के ऊपर लगाई है गाड़ी वहाँ पीछे, और अभी हम इधर से जाएंगे पैदल। वहाँ सामने हम राइट नहीं जा रहे ना, असल में इस ट्रैक का मसला ये है कि हमें बार बार नीचे उतरना पड़ रहा है, एक पहाड़ से नीचे फिर दूसरे पे चढ़ना पड़ रहा है। तो लेकिन अच्छा है, अभी तक मैं तो आगे तक जाऊंगा जितना जा सकता हूँ। इधर बहुत ज़्यादा हाइट है और आगे वादी है, उतरने का रास्ता नहीं है, ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ पैदल भी हमें यहाँ से फुल घूम के जाना पड़ेगा दूसरी साइड से। ऊपर आओ, ऊपर 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 ऊपर, चलो आ जाओ फिर। फायदा नहीं है वैसे, देखो सामने भी है, उधर भी करना पड़ेगा, बहुत टाइम आ जाओ, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। यार मैं शूज अपने दूसरे नहीं लाया और इनकी ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये मेरा भाई जो है बार बार बोल रहा है ना चलो ना चलो आगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मैंने आगे तक जाना है। पाँव ऐसे टेढ़ा रख के आओ ना। हम इधर आ गए हैं नीचे ये पहाड़ी उतर के, अभी ये वाली पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। पीछे बैठ जाते हम। अब तो पहुंच आए हम लोग, अब क्या रह गए।
हैं इधर ऊंट कितने सारे हैं, ऊंट का शायद फार्म है ये। हम लोग आबशार के काफ़ी करीब पहुंचाए हैं, इधर भी ऊंट ही ऊंट है। तीस चालीस मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन हम लोग काफ़ी आगे तक आ गए हैं। यही लास्ट स्पॉट है, इससे आगे नहीं जाने दे रहे ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ तक घूम लो लोग। थोड़ी दिन के बाद फोर व्हीलर हम लोग पैदल यहाँ तक ही आए हैं, नीचे पेट्रोलिंग चल रही है पुलिस की, देख सकते हैं आप लोग, और इससे आगे जाना सेफ भी नहीं है। इंस्पेक्शन चल रही है कुछ इधर नीचे, लेकिन यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू है। अच्छा ये आपको मैं पानी की आवाज़ सुनाता हूँ, ये जिस तरह जूम इन करेंगे हम लोग तो पानी की आवाज़ जो है उतनी ज़्यादा फोकस्ड होगी। ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं जूम इन माइक। इसमें वीडियो में आप कहीं भी फोकस करके जब उसके अंदर जूम इन करते हैं तो माइक्रोफोन जो है वहाँ की आवाज़ भी कैप्चर करता है। अब हमें वापस जो है वो चल के नहीं जाना पड़ेगा, एक बंदा है वो हमें लिफ्ट दे रहा है वापसी तक के लिए। अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं वापस कि शाम होना शुरू हो गई है और गाड़ी हमारी काफ़ी दूर खड़ी हुई है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। फिर आपको आगे दिखाते हैं किधर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा एरियाज जो हैं यहाँ पे इन्होंने बंद किए हुए हैं। अभी हम लोग प्रॉफिट हूद की जो कब्र मुबारक है वहाँ गए थे, और वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था जिस वजह से वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सका, और हम लोग फाइनली अब सलाला से वापस जा रहे हैं मस्कत। इस टाइम हम लोग हैं दलखूत जबल एरिया में, और ये सलाला का लास्ट स्टॉप है या लास्ट स्पॉट कह सकते हैं आप, जहाँ पे ऐसा मौसम है इसके बाद आगे गर्मी होगी और ऐसा मौसम नहीं मिलेगा हम लोग को। इस टाइम हम लोग वापसी के रास्ते में मस्कत के, ये मेन हाईवे है जो सलाला टू मस्कत कनेक्ट करती है, और उसके साथ ही एक छोटा सा स्टॉप बना हुआ है बिल्कुल जबल के ऊपर है ये, इसके बाद आप जबल उतरना शुरू हो जाते हैं। गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो गई है,
अभी हम लोग इधर से कुछ चाय लेंगे, पाकिस्तानी होटल है। इस साइड से इसका दरवाज़ा बंद है, तो अब हम लोग दूसरी एंट्रेंस पे जाएंगे। और सलालत से निकलने से पहले हम लोगों ने डिनर कर लिया था, और अब पूरी रात हमें सफ़र ही करना है, तो इतना ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन कुछ हल्का फुल्का यहाँ से ले लेंगे, और फिर आगे से जाकर स्नैक्स लेंगे रास्ते के लिए, और फिर सुबह नाश्ता ही करेंगे मस्कत पहुँचने के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं निजवा मॉल में। सलालत से हम लोग वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे हम लोग आए हैं ग्रैंड मॉल में। थोड़ा अभी अभी ओपन हुआ है ये, बस हम जब आए थे तब क्लोज था, अभी शॉप्स ओपन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग मस्कत के लिए अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा मॉल है, ग्रैंड मॉल है, काफ़ी बड़ा है ये, और इधर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं है कि ये कैफ़े खुल रहा है। लोरिया जीन्स भी है, लेकिन ये भी अभी तक बंद है। और अब्दुल राफे जो है इधर पीछे छुपा हुआ पिलर के, अभी उसे जाके पकड़ता हूँ मैं। लोरिया जीन्स बंद है। और अब्दुल राफे, आपका सफ़र बहुत अच्छा, और सलाला का टूर बहुत अच्छा। क्या खाना है अभी? नाश्ता करेंगे अभी कहीं जाके। आज तो मैं सोच रहा हूँ कुछ देसी नहीं बल्कि कुछ इंग्लिश नाश्ता हमें करना चाहिए, लेकिन बंद है, देखते हैं क्या खुला हुआ है। अभी हम लोग मॉल से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि अंदर जो है फूड कोर्ट एरिया में सारे रेस्टोरेंट्स ही बंद हैं ऑलमोस्ट। रात का सफ़र करके हम लोग काफ़ी थक चुके थे, और इसके बाद हमने नाश्ता किया और हम लोग घर चले गए। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन किसी नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।